छोकरी बनती हती रे कॉलेज मा। सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, जैसा कि आपने प्रीव्यू देख लिया होगा, तो दोस्तों आज हम वही स्टेटस बनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये जो वीडियो आज मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रही है ये पूरे 3 से 4 मंथ के बाद आ रही है। सो सॉरी दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि मैं वीडियो बना ही नहीं पा रहा था, मजबूर हो चुका था, और अभी मैंने स्टार्ट किया वापस बनाना, तो अभी आपको रेगुलर इस पे वीडियो मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, सो इस चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये सब कर लेना है, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ऐसा स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम आपको पता है, लाइट मोशन। तो दोस्तों अगर आपके पास वो नहीं है तो डाउनलोड कर लेना, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मटेरियल की लिंक मिल जाएगी। उसके बाद शेक इफेक्ट और बिटमार्क सॉन्ग ये भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे, सो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद आपको सिंपली अपना जो लाइट मोशन ऐप है उसे ओपन कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको कौन सा प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है। सो यहाँ पर ये वाला प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऊपर यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट आप इनपुट करोगे, 2 प्रोजेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, ये आपकी लिंक, इन प्रोजेक्ट की लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और सॉन्ग की भी लिंक मिल जाएगी। सो यहाँ पर इनपुट कर लेना, उसके बाद इसे ओपन कर लेना है, बिटमार्क सॉन्ग को। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, अगर ये सॉन्ग बंद हुआ रहेगा, नहीं चलता है, तो आपको क्या करना, सॉन्ग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है यहाँ पर, और ये यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना, और जो भी सॉन्ग हमें यहाँ पर ऐड करना है उस सॉन्ग को यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर देना, यहाँ पर ऐड कर देना, ओके दोस्तों। और उसके बाद एक सॉन्ग को डिलीट कर देना यहाँ से, ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ से डिलीट कर लेना इस तरह से। सो यही प्रोसेस कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमें सिंपल सा इसमें फ़ोटोज़ ऐड करना है। सो फोटो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे प्लस का आइकन दिखता है यहाँ पर, ओके फ्रेंड्स, सो हमें उस प्लस का आइकन पर क्लिक कर देना है यहाँ पे, ओके दोस्तों। यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन दिखेगा ये वाला, देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से, ये वाला मीडिया का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह से फ़ोटोज आ जाएगी, तो यहाँ से हमें फोल्डर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए, यहाँ से हमें फोल्डर सेलेक्ट कर लेना यहाँ पर क्लिक करके। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना, जिस फोल्डर में भी आपकी फ़ोटो है। अगर आपके पास फ़ोटो डाउनलोड नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी फ़ोटोज़ मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से मैं फ़ोटो वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद फ़ोटो लगाने के लिए हमें सिंपल सा फ़ोटो पर क्लिक कर देना है, और ऊपर 3 डॉट देखेंगे, इन 3 डॉट पर क्लिक करना है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, ये यहाँ पे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये यहाँ पर आपको मिलेगा फिल कंपोजिशन एरिया, ये, ओके फ्रेंड्स, ये यहाँ पर आप देख लीजिए फिल कंपोजिशन एरिया, तो इस पर क्लिक कर देना, तो फोटो जो है फुल स्क्रीन में हो जाएगी। उसके बाद आपको इस वाले एरो पर क्लिक कर देना है यहाँ पे, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं अच्छे से अच्छे करके बता रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन, ये यहाँ पे, इस पर क्लिक करते ही ये कट हो जाएगी फ़ोटो। ओके फ्रेंड्स, अब आपको सेम प्रोसेस करना है सारी फ़ोटो लगाने के लिए, इसी तरह से प्रोसेस करते जाना है। सो दोस्तों चलिए मैं आपको ये प्रोसेस करके बता देता हूँ लास्ट तक, ओके दोस्तों, ऐसे ही आपको करते रहना है। सो दोस्तों देख सकते हो आप, इस तरह से मैंने सारी फ़ोटोज़ ऐड कर लिया हूँ लास्ट तक, इसी तरह से सारी फ़ोटोज़ ऐड कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ऐड करने के बाद हमें सिंपल सा यहाँ से
बैक चले जाना। बैक जाने के बाद हमारा जो सेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे ओपन कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको चार फोटोज़ मिल जाएगी इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, चार फोटो मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पर आना है तीसरे नंबर की फ़ोटो पर। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर की फ़ोटो ये वाली, यहाँ पर आ जाना है। तीसरे नंबर की फ़ोटो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो इस वाली फ़ोटो पर आना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा तो इसी पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको थ्री डॉट मिल रहे हैं ये। ओके फ्रेंड्स, थ्री डॉट मिल रहेंगे तो अच्छे से देख लीजिए आप, यहाँ पर थ्री डॉट मिल रहे हैं ये वाले। तो दोस्तों इसी पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको बिटमार्क सॉन्ग को ओपन कर लेना है। बिटमार्क सॉन्ग को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस फोटो पर क्लिक करना है, नीचे आना है और यहाँ पर फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फिर से ये वाला इफेक्ट ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना और फिर से उसी थ्री डॉट पर क्लिक कर देना दोस्तों यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना। ओके दोस्तों, तो पेस्ट इफेक्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से इफेक्ट पेस्ट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इस फोटो में पेस्ट नहीं करना है, इसी तरह से आपको यहाँ पर इतने फ़ोटो छोड़कर यहाँ आना है 4.48 सेकंड पे। ओके दोस्तों, 4.48 सेकंड पे इस फोटो पर ये वाला इफेक्ट लगा देना है। उसके बाद आपको आगे की दो फोटो छोड़ देना है, इन दो फोटो को, और फिर से इस फोटो पर आ जाना है। सेकंड देख लीजिए, 6.40 सेकंड, इस फोटो पर आके इस फोटो पर भी ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। इस तरह से दो दो फोटो छोड़कर इस तरह से कुछ फ़ोटो में ये वाला इफेक्ट लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे की कुछ फ़ोटोज़ छोड़ देना है, मैं आपको एंड तक बताऊंगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी आपको डेली इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी बहुत ही अलग अलग स्पेशल। ओके दोस्तों, सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमें इस तरह से इस वीडियो पर लगा देना है, और ये उसके बाद आपको यहाँ से ये फ़ोटो छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, 19.56 सेकंड तक ये वाला इफेक्ट लगाना है। उसके बाद 20.50 सेकंड से लेके आपको यहाँ तक छोड़ना है। ओके फ्रेंड्स, 23.41 सेकंड तक, उसके बाद जो भी फ़ोटो आ रही उस फोटो पर इफेक्ट लगाना है और दो फोटो छोड़ देना है। सो ये वाले प्रोसेस आपको लास्ट तक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लास्ट तक करने के बाद आपको यहाँ से फिर से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद फिर से सेक इफेक्ट को ओपन करना है। उसके बाद आपको अभी लास्ट वाली फ़ोटो है जो है उसी फ़ोटो पर आना है, लास्ट वाली फ़ोटो पर। इस फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना दोस्तों, और यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर से बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद फिर से बिटमार्क सॉन्ग को ओपन कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आगे आ जाना है। आगे आने के बाद आपको यहाँ पर आना है 5.43 सेकंड पे। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल कर लेना 5.43 सेकंड पे आने के बाद। उसके बाद फ़ोटो पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ये इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इफेक्ट का ऑप्शन देख लीजिए आप, यहाँ पर ये इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा तो इसी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट मिल रहे हैं ये, इन थ्री डॉट पर क्लिक करना और पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो इन दो फोटो में इस तरह से इफेक्ट लगा लेना है। उसके बाद अगली फ़ोटो छोड़ देना आपको 6.40 सेकंड वाली, जिस पर इफेक्ट लगा हुआ है। उस फोटो को छोड़ने के बाद फिर से 8.4 सेकंड तक ये वाले दो दो फोटो में लगा लेना है, और एक एक फ़ोटो को छोड़ते जाना। ठीक है दोस्तों, एक फ़ोटो को छोड़ो और इन दो फोटो पर ये वाला इफेक्ट लगा लेना। सो इसी तरह से आपको लगाते जाना है, और आगे कुछ फ़ोटोज़ छोड़ देना है जो कि मैं आपको बताऊँगा। सो इस तरह से आपको वीडियो को एंड तक देखना है दोस्तों, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, सो जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेकर इंस्टाग्राम पर भेज देना। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी रॉयल शिवराज, सो वहाँ पर भी अभी तक फॉलो नहीं किया हो दोस्तों तो फॉलो कर लेना। और किसी को अगर ऑनलाइन बिजनेस करके अर्निंग करना है तो दोस्तों मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपकी भी पूरी हेल्प करूँगा। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से आपको यहाँ तक लगाना है, और उसके बाद 20.50 सेकंड वाली फ़ोटो को छोड़ देना है, और यहाँ तक आ जाना है आपको 24.37 सेकंड तक, और फिर इस तरह से आगे की सारी फ़ोटो में ये वाला इफेक्ट लगा देना है। ठीक है दोस्तों, सो चलिए मैं जल्दी से लगा कर बता देता हूँ। सो दोस्तों, सारी फ़ोटो में लगा दिया हूँ। उसके बाद फिर से बैक आना है और सेक इफेक्ट को ओपन करना है, और यहाँ पर आपको दूसरे नंबर की फ़ोटो है, इस फ़ोटो पर क्लिक कर देना। ओके फ्रेंड्स, दूसरे नंबर की फ़ोटो पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करना और कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर से बैक आ जाना दोस्तों, और बिटमार्क सॉन्ग को ओपन कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट वाली फ़ोटो
को छोड़ देना, और उसके बाद जो भी फ़ोटो आ रही है यहाँ से लेके आपको इन सारी फ़ोटो में इफेक्ट लगा लेना है। तो यहाँ से लेके फर्स्ट वाली फ़ोटो को छोड़कर जितने भी फ़ोटो में अभी तक नहीं लगाया वहाँ तक इफेक्ट लगा लेना है। तो इस तरह से यहाँ तक इफेक्ट लगाना है, ठीक है दोस्तों। ये जो लास्ट फ़ोटो आ रही है 4:19 तक, यहाँ तक इफेक्ट लगा लेना। उसके बाद आगे आ जाना है इस तरह से 20:50 तक, ओके दोस्तों। इस तरह से आगे आ जाना है, मैं बता देता हूँ आपको, आगे इस तरह से स्क्रॉल करना है यहाँ तक 20:50 से लेके आपको आगे की सारी फ़ोटो में लगा लेना। 20:50 से लेके दोस्तों इस तरह से आगे यहाँ तक लगा लेना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक ये वाला देख लीजिए आप, 23:11 तक यहाँ तक ये वाला इफेक्ट लगा लेना, ओके फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ तक लगा देना है। उसके बाद आपको फिर से बैक जाना है और सेक इफेक्ट को ओपन कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट वाली फ़ोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना और 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद बैक जाना है दोस्तों और फर्स्ट वाली वो बिटमार्क सॉन्ग को ओपन करना और फर्स्ट वाली फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद इफेक्ट पर क्लिक करना, 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। उसके बाद आपका वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा स्टेटस। उसके बाद ये ऊपर 3 डॉट का वो ऑप्शन मिलेगा आपको, ये वाला देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये वाला देख लीजिए आप, यहाँ पर ये इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ से एक्सपोर्ट वीडियो कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।